नहीं, सर फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल्स टू आई, आई इज बेसिकली द शॉर्ट सर्किट करंट इनटू अंडर रूट टी, टी इज बेसिकली द टाइम ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट इन सेकंड्स एंड डिवाइड बाय के. के इज अ बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यू, इज अ शॉर्ट सर्किट टेम्परेचर राइज कांस्टेंट. तो ये कांस्टेंट वैल्यू तो डेफिनेटली आपको याद रखनी पड़ेगी और रिमाइंड करनी पड़ेगी, अपने पास नोट डाउन करनी पड़ेगी, ताकि आप उसके हिसाब से फाइनल कैलकुलेशंस कर सकें. तो यहाँ पे जो हम केबल सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल साइज ऑफ द केबल जो हमने सेलेक्ट किया वो 50 mm स्क्वायर केबल सेलेक्ट किया पीवीसी. तो जो चार्ट है बेसिकली ये पीवीसी केबल का चार्ट है, एक्सएलपी के लिए अलग होता है, इसी तरह कॉपर और अल्यूमिनियम के लिए भी अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे हम कॉपर पीवीसी चार्ट यूज कर रहे हैं. अगर इसके एक्स एक्सिस पे देखें आप, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट सर्किट इन सेकेंड है, यहाँ शुरू हो रही है 0.1 से लेके 3 सेकेंड तक जा रही है. और अगर इसके वाई एक्सिस पे देखें तो फॉल्ट करंट्स इन किलो एम्पेयर्स है, जो शुरू हो रहे हैं 0.1 से और जा रहे हैं 100 किलो एम्पेयर्स में. तो ये वैल्यूज किलो एम्पेयर्स में. तो अगर हम चार्ट से मेजर करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल हम इस फॉर्मूले को साइड लाइन कर देते हैं और चार्ट से कैलकुलेट करते हैं, तो अगर हमारा क्लाइंट कहता है कि यार जो केबल 50 mm स्क्वायर की आप मुझे देने जा रहे हैं कॉपर पीवीसी पीवीसी, वो 3 सेकंड में कितने फॉल्ट करंट यानी कितना शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, या कितना शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट बेयर कर सकती है. तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक्स एक्सिस पे जाएंगे और 3 सेकंड्स पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट 3 सेकंड्स पे कितना फॉल्ट करंट बेयर कर सकता है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है. तो हम 3 सेकंड पे गए एंड देन फिर हम वाई एक्सिस पे मूव करेंगे और हम जाएंगे 50 mm स्क्वायर केबल के लिए. तो ये 25 आ गई, 35 आ गई एंड देयर गो 50 50 mm स्क्वायर की केबल ये यहाँ पे हमारे फॉल कर रही है. तो ये हमारा बेसिकली जो फोकल पॉइंट है वो ये बन गया है. तो अगर हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मूव करें तो ये हमारे किलो एम्पेयर जो है यहाँ पे बन रहे हैं. तो ये जो वैल्यू बेसिकली फॉल कर रही है, ये 3 और 3.5 के दरमियान कहीं फॉल कर रही है. अगर आप देखें तो ये 3 और 3.5 के दरमियान ये जो है बेसिकली जो है ये वैल्यू फॉल कर रही है किलो एम्पेयर्स में. तो एट 3 सेकंड हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये अराउंड 3.3 किलो एम्पेयर जो है वो बनेगी इसकी वैल्यू, जहां तक अगर आप देख सकते हैं 3.3 या 3.4 किलो एम्पेयर. तो अब हम करते हैं कि हम इसको फॉर्मूले से भी कैलकुलेट करते हैं और मेक श्योर करते हैं कि क्या ये बात सही है या गलत है. तो अब हमने करना ये है कि हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो मैंने आपसे अभी ड्राइव किया, और इसको हम रीअरेंज करेंगे और यहाँ पे हम करंट की वैल्यू यानी किलो एम्पेयर शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू जो वो हम मेजर करेंगे. एरिया ऑफ द कंडक्टर हमारे पास है ए, विच इज 50 mm स्क्वायर इंटू 115. 115 इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जो के की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है. तो अगर हम कॉपर पीवीसी केबल यूज कर रहे हैं तो वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 115, 115. तो वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड हमने इसके किया अंडर रूट टी. टी हमारे पास 3 सेकेंड्स था, तो हमने 3 के लिए अंडर रूट 3 से इसको डिवाइड किया, और डिवाइड बाय 1000 हमने इसलिए किया कि हमने इस वैल्यू को किलो एम्पियर में मेजर करना था, तो इसके लिए हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो भी 3.3 किलो एम्पियर. तो नाजिन अगर आप देखें चार्ट से जो वैल्यू निकली थी वो भी अराउंड 3.3-4 के दरमियान थी, और ये भी 3.3 किलो एम्पियर ही आई है. तो इसका मतलब ये है कि जो चार्ट पे वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो भी ठीक थी, और अगर हम फॉर्मूले से वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन या इक्वेशन के थ्रू जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी एग्जैक्टली सेम आ रही है. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये होता है कि आपके वोल्टेज ड्रॉप की कंडीशन भी पूरी हो जाती है, करंट कैरिंग कैपेसिटी की भी कंडीशन पूरी हो जाती है, लेकिन क्लाइंट अक्सर अगर एक ऐसी रिक्वायरमेंट मांग लेता है कि वो कहता है कि मुझे शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू भी ये चाहिए, तो उस कंडीशन में भी केबल का साइज चेंज हो जाता है. तो आपने मेक श्योर करना है, या तो आप उसको क्लाइंट को सजेस्ट करें कि एज पर द स्टैंडर्ड जो है हमारी इस साइज की केबल जो है 3 सेकेंड्स पे इतने किलो एम्पर्स दे सकती है, लेकिन अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे तो 10 किलो एम्पर्स चाहिए, तो फिर आपको डेफिनेटली इसके लिए मेजरमेंट करनी पड़ेगी, और वो डेफिनेटली जो साइज ऑफ द केबल है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो आई होप कि आपको केबल साइज सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू द शॉर्ट सर्किट करंट भी क्लियर हो गया होगा. यहाँ पे हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे. नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने केस स्टडीज रखी है आप लोगों की आसानी के लिए, कि आप एक जनरल आइडिया निकाल सकें कि किस तरह से मुख्तलिफ कंडीशंस के अंदर मुख्तलिफ केस स्टडीज के अंदर जो है केबल साइज चेंज होते जाते हैं, एम्पियर रेटिंग्स बढ़ती जाती हैं, और मिली वोल्ट एम्पियर स्क्वायर मीटर्स की वैल्यूज भी चेंज होती रहती हैं. तो यहाँ पे हम देखें, पहले केस में हमने 100 एम्पियर रखा और लेंथ हमने 150 मीटर रखी, तो केबल साइज हमारे पास 70 mm स्क्वायर है. और इसी से नेक्स्ट स्टेज पे हमने 100 मीटर जो साइज था
ऑफ द लेंथ ऑफ द केबल थी वो हमने डिक्रीज कर दिया और उसको 100 मीटर किया तो साइज ऑफ द केबल भी डिक्रीज हो गया और 50 एमएम स्क्वायर हो गए। उससे नेक्स्ट केस स्टडी थी 150 एम्पियर लोड था और 200 मीटर लेंथ थी जिसमें हमारे पास 150 एमएम स्क्वायर की केबल निकली। उससे अगली कंडीशन में हमने 150 एम्पियर लोड रखा और 150 मीटर ही लेंथ रखी जिसमें हमारे पास केबल साइज देखें डिफरेंट जो हो गया 95 एमएम स्क्वायर हो गया। तो आपने देखा कि कितना यूज डिफरेंस हो जाता है खाली लेंथ ऑफ द केबल चेंज करने से, अगर कम करने से या ज्यादा करने से जो साइज ऑफ द केबल है वो भी चेंज हो जाता है। तो द अबव केबल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम 4-4 कॉपर पीवीसी पीवीसी नॉन आर्मर्ड केबल, केबल नंबर 11 एंड 12 हमने यहाँ पे यूज किया टेक्निकल ब्रोशर का। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस आ गई और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको प्रैक्टिस भी करें अपने तौर पर और मालूम करें कि आप लोग के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या आ रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच। ये कुछ रेफरेंसेस थे जहाँ से मैंने इस अपनी प्रेजेंटेशन को बनाया। ये भी आपकी नॉलेज के लिए है, पाकिस्तान केबल्स लिमिटेड का जो टेक्निकल ब्रोशर था मैंने उसको इस्तेमाल किया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोर्टल .com को भी मैंने इस पूरी जो डिस्कशन थी और इस पूरी केबल साइज सिलेक्शन का जो मेथड था इसको समझाने के लिए कुछ रेफरेंसेस वहाँ से भी लिए और स्पार्की निंजा से भी मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए। आई होप कि आपको ये तमाम जो प्रेजेंटेशन थी मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम और उम्मीद है कि मुझे आपको ये प्रेजेंटेशन काफ़ी पसंद आई होगी और मैं कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आऊँ अच्छे टॉपिक्स के साथ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में जो मेन टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करूँ। आपकी भी सजेशन चाहिए होगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहें। उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट टाइम इससे अच्छी वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।